नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है रीजनिंग का जो टॉपिक है रैंकिंग, वही चर्चा कर रहे हैं। हमने जो है पार्ट वन दे दिया था। पार्ट वन में हमने तीन नियम बताया था, रैंकिंग में टोटल आपके पांच नियम हैं। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जो है क्वेश्चन लगाएंगे। तो जो हमारा अगला नियम है, नियम नंबर चार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पहले देखिएगा पूरा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर लगे कि हाँ इस पर आपको फायदा मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला जो चौथा नियम है हमारा, वो नियम है कि एक पंक्ति में एक बाएं से किसी नंबर पर हो। मतलब एक पंक्ति अगर दी गई है, इसमें बाएं से किसी नंबर पर ए है और दाएं से किसी नंबर पर बी है, और इनके बीच में कुछ लोग हैं। ठीक, इनके बीच में कुछ लोग हैं, तो हमको ये बताना है कि इस पंक्ति में कितने लोग होंगे, इस पंक्ति में कितने लोग होंगे। टाइप टू में हमने यही देखा था कि इस पंक्ति में कितने लोग होंगे, लेकिन अब ये देखना है कि इस पंक्ति में कितने लोग होंगे, ये तो ज्ञात करना है, लेकिन ये ज्ञात करना है कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे और मिनिमम कितने लोग होंगे। मतलब कि मैक्सिमम इस पंक्ति में कितने लोग हो सकते हैं और मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं। तो मैक्सिमम के लिए तो कुछ नहीं करना, यही सब जोड़ देंगे हम, यही जोड़ देंगे तो हमारा मैक्सिमम मिल जाएगा। लेकिन मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए जो, अब जैसे मिनिमम कैसे हो सकते हैं भाई, यही हमारा है, ए हमारा यहाँ है, ठीक, और बी को बैठालना है, तो बी को हम यहाँ बैठाल दें और बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई अगर दो व्यक्तियों के बीच में किसी को बैठालना है तो दो तरीके से हम बैठाल सकते हैं, एक तो हम इस तरीके से बैठाल सकते हैं, ठीक, और एक हम इस तरीके से बैठाल सकते हैं। तो जैसा जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक पंक्ति में ए बाएं से 12वें जबकि बी दाएं से 13वें स्थान पर है। ठीक, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि ए बाएं से 12वें यानी कि लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर ए है, और बी दाएं से 13वें स्थान पर है, दाएं से 13वें स्थान पर है यानी कि आर से 13वें स्थान पर है, और कह रहा है यदि बीच में पांच व्यक्ति हों, इनके बीच में कितने लोग हैं, पांच लोग हैं, तो न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। ठीक, तो न्यूनतम और मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम मैं दोनों बताऊंगा कि मिनिमम कितने लोग होंगे और मैक्सिमम कितने लोग होंगे। तो पहले आप मैक्सिमम के लिए समझ लीजिए कि मैक्सिमम के लिए तो हमको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम के लिए केवल हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, जितने लेफ्ट से हैं वो, और प्लस जितने राइट से हैं वो, और प्लस जितने बीच में हैं, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, जम से मिडिल, इसको तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं मैक्सिमम। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम हमारे कितने लोग हैं, 3, 2, 5, 5, 10, 10, 20, 10, 30, यानी कि मैक्सिमम तो पता चल गया कि इस पंक्ति में मैक्सिमम कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 30 लोग होंगे। लेकिन अगर अभी मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम हम इस तरह बैठा सकते हैं कि ए हमारा यहाँ पे है 12वें नंबर पर, और बी जो है दाहिने तरफ है अर्थात यहाँ पे है 13वें नंबर पर, और इनके बीच में हमको कितने लोगों को बैठाना है, पांच लोगों को बैठाना है। इसका मतलब मिनिमम जब करेंगे तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे भाई, लेफ्ट तो इधर से, लेफ्ट से अगर गिनेंगे तो अगर हम यहां से लेफ्ट से जाएंगे तो एक बार हम इतना ले लिए, ये हो गया। उसके बाद दोबारा जब हम देखेंगे राइट के लिए, तो राइट के लिए भी हमको ये मिलेगा, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, ये तो मिलेगा ही, लेकिन जो बीच में है, बीच में जो है ये लोग हमारे क्या करेंगे, जो बीच में है ये व्यक्ति हमको क्या, दो बार मिल गए ना, एक बार तो भाई जब हम इधर से जा रहे थे तब भी मिले हमको ये बीच वाले, और एक बार जब इधर से आ रहे थे तब भी मिले बीच वाले, तो इसमें क्या करेंगे, बीच वालों को घटा देंगे। तो बीच वाले तो घट गए, लेकिन एक चीज और देखिए, ए और बी इनको भी हमने जो है दो बार काउंट कर लिया, इनको भी हमने दो बार काउंट कर लिया, तो इसीलिए माइनस दो कर देंगे। तो जो अब फार्मूला बनेगा मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट
लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच के जो लोग होंगे यानी कि मिडिल और माइनस दो। तो जो फार्मूला बनेगा हमारा क्या बनेगा, जो फार्मूला बनेगा हमारा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिनिमम और माइनस टू। ठीक, ये चीज है हमारा क्या कर दिया जाएगा, जो बीच वाले होंगे वो और दो और कर जोड़ करके घटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से कितने लोग हैं हमारे 12, राइट से कितने लोग हैं हमारे 13, माइनस मिडिल में कितने लोग हैं 5 और माइनस 2। इसका मतलब कि 5 2 7, 7 6 13, तो 12 6 18, यानी कि मिनिमम कितने लोग होंगे, मिनिमम 18 लोग होंगे और मैक्सिमम कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 30 लोग होंगे। जैसे इस नियम का एक क्वेश्चन और देखिए, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, सेम टू सेम ही ए और बी पर है, केवल बस यही गिनती बदल दी जाएगी। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी 18वें स्थान पर है, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो न्यूनतम कितने लोग होंगे। तो अगर भी मैक्सिमम की बात करते तो मैक्सिमम चूंकि कह रहा है कि लेफ्ट से 15 नंबर पर ए है और राइट से 18वें नंबर पर बी है और इसके बीच में 6 लोग हैं। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करते तो मैक्सिमम में तो दोनों जोड़, जो तीनों लोग हैं इन्हीं को जोड़ दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, अर्थात 15 प्लस 18 और प्लस 6, तो 15 और प्लस 18 प्लस 6, 15 6 21 21 10 31 और 8 39, यानी कि मिडिल मैक्सिमम तो पता चल गया कि मैक्सिमम 39 लोग होंगे। मिनिमम के लिए देखिए, मिनिमम के लिए भाई ये हमारा हो गया ए कितने नंबर पर है, लेफ्ट से 15 और बी के लिए बोल रहा है राइट से 18, अर्थात राइट से 18 नंबर पर हमारा कौन है, बी है। ठीक, और इसके बीच में कितने लोग हैं, इसके बीच में कितने लोग हैं, बीच में 6। तो चलिए, जब अगर हम यहां से ए के पास जा रहे थे तो ए के पास गए थे, इतने लोगों को काउंट किया हमने, किसको काउंट किया, इसको भी काउंट किया और आर को भी काउंट किया, यानी कि देखिए 6 और प्लस 1 यानी कि आर को काउंट किया ना, तो 6 तो ये है ही है हमारी, ये काउंट किए, आर एक और काउंट किए, इतना हो गया। फिर जब इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे तो ये 6 हमको तो मिले ही। ठीक, और ये अब की ए को हमने एक बार तो बी को काउंट किया और एक बार ए को काउंट किया, तो अर्थात फिर हमने एक लोगों को और काउंट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 लोग हैं और 2 लोग हैं इनको हम ज्यादा काउंट कर ले रहे हैं। तो यही चीज जब लास्ट में निकालते हैं एल प्लस आर वाला नियम लगा के, तो इसी को घटा देते हैं, अर्थात जो मिनिमम वाली बात होगी हमारी, तो मिनिमम के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिनिमम माइनस 2, यानी कि लेफ्ट से 15 राइट से 18 माइनस मिडिल में 6 लोग हैं और माइनस 2, तो 6 तो 8 घट जाएगा, 15 10 25, यानी कि मिनिमम कितने लोग होंगे, 25 लोग होंगे। हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आगे चलते हैं नियम 5 पे। नियम 5 क्या है देखिए, नियम 5 कह रहा है, नियम 5 में हमारा है कि पांचवा नियम जो है, जैसे 47 बच्चों की कक्षा में ए आगे से 17वें और बी पीछे से 19वें नंबर पर है, यदि सी मध्य में है, मध्य का मतलब ए और बी के मध्य में है, तो ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। तो चलिए हम समझते हैं अगला नियम जो है, जैसे कि क्या कह रहा है, 47 बच्चों की कक्षा में, मतलब टोटल जो है वो कितने लोग हैं, वो 47 लोग हैं हमारे, और कह रहा है कि ए आगे से 17वें नंबर पर, अर्थात ए जो है वो हमारा, ए हमारा लेफ्ट से 17वें नंबर पर है, कौन, ए, और कह रहा है बी जो है पीछे से 19वें नंबर पर है, पीछे से 19वें नंबर पर है, कौन, बी, यानी कि राइट से 19। तो आप सबसे
पहली चीज तो ये पूछ सकते हैं कि सर आप काहे लिए इसको पीछे पीछे कर दिए, मतलब बीच में क्यों खाली कर दिए। बीच में अगर है तो ये यहाँ भी तो बी हो सकता है, तब भी ए और बी के बीच में होंगे। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप इसको इसको टोटल कीजिए। अगर दोनों का योग टोटल से कम रहेगा तो जान लीजिए फिगर इस तरह बनेगा जिस तरह मैं बनाया हूं। अगर दोनों का योग इससे ज्यादा रहेगा टोटल से तो जान लीजिएगा कि फिर ओवरलैप होगा हमारा। तो चलिए दोनों का टोटल करिए, 17 और प्लस 19 करेंगे तो 9, 7, 16, 86 लगेंगे, 1, 2, 1, 3, 36। इसका मतलब टोटल 47 लोग हैं, लेकिन हो कितने रहे हैं 36, कितने कम हो रहे हैं 36, 10, 46, यानी 11 लोग कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में कितने लोग हैं, बीच में हमारे 11 लोग, बीच में कितने लोग हैं 11 लोग हैं। तो अगर बीच में 11 लोग हैं तो एकदम बीच में, एकदम बीचों बीच में कौन बैठेगा बताइए। 11 लोगों के मध्य में अगर बैठाना हो तो जो छठवां व्यक्ति होगा, छठवें व्यक्ति के इधर भी 5 लोग होंगे और छठवें व्यक्ति के इधर भी 5 लोग होंगे। तो इसका मतलब कि 17 है हमारा, लेफ्ट से 17 है, 17 में 6 और जोड़ दीजिए तो 17 में भाई इधर से भी, इधर भी 6 लोग होंगे, वो इधर भी 5 लोग होंगे और इधर भी 5 लोग होंगे। तो 5, 5, 10 और एक ही एक स्वयं है ही, तो 11 लोग हो गए कि नहीं बीच में। देखिए बीच में 11 लोग हुए भाई, 5 ये हुआ, 5 ये 10 और एक 11। तो इसका मतलब कि बीच में यही बैठेगा कौन, सी बैठेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए और सी के मध्य कितने व्यक्ति होंगे, ए और सी के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। तो बताइए ए और सी के मध्य कितने व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इसको तो आप केवल फिगर से ही सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगेगा। ठीक, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगेगा और देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, ए बाएं सिरे से 22वें स्थान पर हो तथा बी दाएं सिरे से 25वें स्थान पर हो, तब इनके मध्य में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो क्या कह रहा है, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं, मतलब कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कितने लोग हैं, एक पंक्ति है और एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 40 लोग हैं टोटल, कितने लोग 40, 40 लोग हैं टोटल। कह रहा है कि ए बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है, अर्थात ए जो है हमारा वो बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है, कौन, ए, और बी जो है दाएं सिरे से 25वें स्थान पर है। तो बी दाएं सिरे से 25वें स्थान पर है, दाएं से 25। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको ओवरलैप क्यों कर दिया, इसको ओवरलैप क्यों कर दिया। तो मैं बताऊंगा कि जब हम 25 और 22 को जोड़ रहे थे तो 20, 20, 40, 7, 47 अर्थात इससे ज्यादा हो रहा था, इसीलिए हमने इसको ओवरलैप कर दिया। तो ओवरलैप कर दिया तो आप ये देखेंगे कि बीच में कितने लोग हैं। तो मैंने बताया है कि जब दोनों आपस में ओवरलैप करें तो ओवरलैप वाले में हम लेफ्ट प्लस राइट करेंगे और करने के बाद -2 कर देंगे, ये हमारा ओवरलैप मिल जाएगा। लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। तो चलिए लेफ्ट से कितने लोग हैं 22, राइट से कितने लोग हैं 25, टोटल कितने लोग हैं 40 और -2। तो चलिए 20, 20, 40, 7, 47, -40, 2, 42, अर्थात बीच में कितने लोग होंगे 5 लोग होंगे, यही आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं, अगर ना आया हो तो वीडियो एक बार बैक कीजिए और जो पहला नियम है हमारा, जो पहला वीडियो है, पहला वीडियो आप एक बार देखिए तब आप दूसरा वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक पंक्ति में कुल 45 व्यक्ति हैं, ए बाएं सिरे से 28वें स्थान पर, बी दाएं सिरे से 29वें स्थान पर है, तब बीच में कितने लोग होंगे।
तो चलिए एक पंक्ति में कुल 45 लोग हैं। कितने लोग हैं? 45। कुल 45 लोग हैं, ठीक। और क्या कह रहा है कि ए जो है बाएं सिरे से 28वें नंबर पर है। बाएं सिरे से 28वें नंबर पर है कौन? ए। और बी जो है दाएं सिरे से 29वें नंबर पर है। तो दाएं सिरे से 29वें नंबर पर है कौन? बी है हमारा, ठीक। फिर हमने ओवरलैप कर दिया, क्यों किया? जो कि 2, 2, 4 और 9, 8, 17 यानी 57 हो रहा है, तो इसीलिए हमने ओवरलैप कर दिया। तो बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट प्लस राइट है इसमें से टोटल और माइनस 2 घटा देंगे। तो लेफ्ट यानी कि 29 प्लस राइट यानी कि 28 माइनस टोटल यानी कि 45 माइनस 2, तो 9, 8, 17 यानी कि 57 माइनस 47 तो बराबर 10। इसका मतलब बीच में कितने लोग हो जाएंगे? बीच में हो जाएंगे हमारे 10 लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा होगा। क्या कह रहा है कि लिखा है किसी कक्षा में रमेश का स्थान ऊपर से 12वां नीचे से 25वां हो तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक। क्या कह रहा है एक बार फिर से देखिए, किसी कक्षा में रमेश का स्थान ऊपर से 12वां मतलब ऊपर से नीचे व्यक्ति बैठे हैं, ऊपर से 12वें नंबर पर है, अपर से 12वें नंबर पर है कौन? रमेश। रमेश का स्थान ऊपर से 12वें स्थान पर है और नीचे से 25वां है, नीचे से 25वां है, ऊपर से 12वां है, नीचे से 25वां है। तो बोल रहा है कि पंक्ति में कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल व्यक्ति बराबर, हमने इसमें बताया था कि जब हमको नीचे से और ऊपर से दिया रहे या लेफ्ट से राइट से दिया रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर केवल एक घटा देते हैं, अर्थात 12 प्लस 25 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 36, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। कहीं समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। स्टार्टिंग से चूंकि नियम एक से बता रहा हूं, पहले आसान क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद उससे कठिन क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद उससे कठिन रहेंगे। जैसे अगला कह रहा है कि एक कक्षा में सभी लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, उसमें से एक लड़का दोनों किनारे से 19वें क्रम पर है तो बताइए कि कुल कितने व्यक्ति हैं, मतलब कि एक पंक्ति में खड़े हैं कुछ लोग, एक लड़का है जो लेफ्ट से भी 19वें नंबर पर है और राइट से भी 19वें नंबर पर है। तो बोल रहा है कि पंक्ति में कुल टोटल कितने लोग हैं, तो कुल कितने लोग हो जाएंगे आप बताइए भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 यानी कि 19 प्लस 19 माइनस 2 यानी कि 38 माइनस 2 तो 36, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अगला है जैसे कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय ऊपर से 6वां है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय ऊपर से 16वां है तथा नीचे से 29वां है, तो 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 इनमें से फेल हो गए, तब कक्षा में कुल कितने लड़के थे? तो चलिए देखते हैं, एक परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय ऊपर से 16वां है, मतलब कि एक कक्षा ही मान लीजिए और पास होने वाले लड़कों में ऊपर से 16वें नंबर पर अजय है, ऊपर से 16वें नंबर पर, इसीलिए हमने यू 16 कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा नीचे से 29वें स्थान पर है, नीचे से 29वें स्थान पर है, ठीक। उसके बाद 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 5 लड़के फेल हो गए, तो ये पहले आप देख लीजिए कि जो पास है पास कितने लोग हैं, तो पास वालों के लिए हो जाएगा हमारा 16 प्लस 29 माइनस 1 यानी कि 28, 8 6 14 34 10 44, 44 बच्चे तो हमारे पास हो गए। और कह रहा है कि 6 लड़कों ने भाग नहीं लिया, कितने लोगों ने? 6 लोगों ने, और फेल कितने हो गए? फेल कह रहा है कि 5 लड़के
फेल हो गए। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल कितने बच्चे हो गए, 44 और प्लस 6 5 11, यानी कि टोटल जो है हमारे वो कितने हो गए, टोटल 55 लड़के हो गए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो ये चीज था, आज हमने जो हमारा पांचों नियम था वो कंप्लीट किया, और जो है स्टार्टिंग के नियम के कुछ जो है बेसिक हमने बता दिया। कल जो है हम एडवांस लेवल का अर्थात जो इस चैप्टर के कठिन प्रश्न रहते हैं वो हम अपने अगले वीडियो में देंगे। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।